दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा आयोजित 29वें ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला एवं लोक नृत्य समारोह का उद्घाटन शुक्रवार को महा मेट्रो के प्रबंध निदेशक डॉक्टर ब्रजेश दीक्षित, आदिवासी विकास महामंडल के अतिरिक्त आयुक्त रविन्द्र ठाकरे एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत सत्यनाथन के हस्ते हुआ। दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर के निदेशक डॉक्टर दीपक खिरवड़कर, सहायक निदेशक दीपक कुलकर्णी एवं सहायक निदेशक गोपाल बेतावार की उपस्थिति रही। लोक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियों की शुरुआत भपंग गायन जुम्मे खान मेवाती राजस्थान से हुई। चिटकोर नृत्य सुरेश खोरे नागपुर महाराष्ट्र, सोंगी मुखवटे अंबादास गबली एवं समूह नासिक महाराष्ट्र, होजागिरी नृत्य सुभ्रदीप श्याम अगरतला त्रिपुरा, काक्सा नृत्य सियाराम दुग्गा छत्तीसगढ़, बिहू नृत्य कुमारी स्वागता शर्मा डिब्रूगढ़ आसाम एवं डांगी नृत्य पवन बागुल गुजरात की शानदार प्रस्तुतियां हुई। तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इतनी मेहनत करके आज यहां पर आप लोग सब आए हैं और ये जो दस दिन चलने वाला जो मेला है ये एनुअल इवेंट है नागपुर का। बहुत सारे लोग इसका इंतजार करते हैं। तो ये ना सिर्फ हमारे कलाकारों को, क्राफ्ट्समैन को एक उनके उनके सामान की, उनके उनका जो टैलेंट है उसका संवर्धन करता है, मगर जो नागपुर के लोग हैं वो सब इसको देखकर और ये इन चीज़ों को खरीद कर भी लाभान्वित होते हैं। तो अपने आप में ये दोनों लोगों के लिए बहुत अच्छा ब्रिज का काम कर रहा है साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ खिलवरकर साहब को, सारी टीम को साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर की, और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ ये जो मेला है ये ग्रैंड सक्सेस हो। और वैसे भी हम एक ट्रेंड देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में और नागपुर में भी कि जो कोरोना और कोविड के बाद ये जो 2 साल की लोगों को जो यातना हुई और जो लोगों का जो ऊपर जो एक रिस्ट्रिक्शन रहा उससे जो लोग बाहर निकले हैं तो लोग बहुत ज़्यादा आनंदित हैं इन सब चीज़ों से। और मुझे उम्मीद है कि उस आनंद में इस कल्चर इस आयोजन को भी बहुत बहुत सफलता मिलेगी। तो मेरी शुभकामनाएं फॉर ए वेरी ग्रैंड सक्सेस ऑफ दिस इवेंट। थैंक यू। बहुत अच्छी शुरुआत कोविड के बाद में यहाँ पे हो रही है। और जैसे अभी कहा जाता है कि लोक कलाएँ जो है वो सही मायने में जो ग्रामीण इलाका होता है वहीं से आती है। वो फोक डांस हो या हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स की जो सारी जो विशेषताएं जो है वो सभी ग्रामीण इलाकों से आती है। और एक अपना खुद का जो है, हर एक का अपना एक अलग रंग बोलो या उसका अलग एक अपना विशेषताएं होती है। तो मैं समझता हूँ कि दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र की माध्यम से और संचालक महोदय की जो यहाँ पे एक अच्छी कामगिरी है उससे नागपुर वासियों को जो है बहुत अच्छी मेजबानी जिसको बोल सकते हैं, एक अच्छा आनंद जिसका ले सकते हैं, ऐसा एक कार्यक्रम 10 दिनों के लिए आज यहाँ पे शुरू हो रहा है। तो ये सारे जो लोक कलाकार यहाँ पे आए हुए हैं नागपुर में, काफ़ी उसमें से ट्राइबल्स भी हैं। अब मैं भी अभी ये देख रहा हूँ ट्राइबल डिपार्टमेंट में आने के बाद में कि हमारे सारे जो ट्राइबल कलाकार जो हैं उनमें बहुत सारी खूबियाँ भी है, बहुत अच्छे पेंटिंग्स होते हैं, बहुत अच्छे शिल्प कला होती है, मेटल का बहुत अच्छा काम होता है। और उसी प्रकार सभी ट्राइबल्स जो है ट्राइब्स जो है उसकी अपनी अपनी डांस की अलग अलग स्टाइल भी होती है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हम नागपुर वासियों ने बहुत अच्छा इसका आनंद लेना चाहिए। ये मेले में आप सभी का मैं भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज इस महोत्सव का उद्घाटन श्री ब्रजेश जी के शुभ कर कमलों द्वारा हो रहा है, ये केंद्र के लिए बहुत गौरव की बात है। नागपुर शहर में जो मेट्रो का और बाकी जो डेवलपमेंट का जो बहुत बड़ा काम शुरू है उसके पीछे जो एक बहुत बड़ी ताकत है वो ब्रजेश जी के
नेतृत्व में पूरी उनकी टीम उसके लिए लगी हुई है, जिसका हम सभी को सार्थ अभिमान है। उसी प्रकार रविंद्र जी ठाकरे जी, उनका भी आदिवासी विकास महामंडल में बहुत बड़ा योगदान है, इस केंद्र से भी उनका बहुत बड़ा लगाव है। आज ऐसे महान हस्तियाँ यहाँ पर इस मेले के उद्घाटन के लिए उपस्थित है, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। इस 29th ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेले में एक अत्यंत खुशी की बात है, कोरोना काल के कठिन काम काल के बाद में यह मेला इस साल अपने रेगुलर शेड्यूल के अनुसार जनवरी महीने में आयोजित किया जा रहा है, और इसमें पूरे भारतवर्ष के करीब करीब 150 स्टॉल यहाँ पर जो हैंडीक्राफ्ट्स के हैं वो लगे हुए हैं। सभी कलाकार जिन्होंने अपनी हस्तशिल्प या अपने हाथों से बने हुए जो हैंडीक्राफ्ट्स है वो यहाँ पर प्रदर्शित किए हैं, उसकी बिक्री भी है। उसी प्रकार इसी मंच पर रोज शाम को 6:30 बजे से भारत के विभिन्न प्रांत से आए लोक कलावंत, उनकी बहुत अच्छी प्रस्तुति आप सभी को देखने को मिलने वाली है। हम काबा भी रखेंगे, काशी भी रखेंगे, माया देखने हो रे डरे डर, दुनिया में माया देखने रे हो रे डरे डर, अरे चलो दुकान से हट के बिक रही पॉलिस्टर। कार्यक्रम का संचालन श्वेता शेलगांवकर ने किया। राजस्थान के कच्ची घोड़ी हरिशंकर नागर एवं समूह भी दर्शकों के विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। मेला 22 जनवरी तक चलेगा। दोपहर 2 बजे से क्राफ्ट मेला एवं फूड जोन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शाम 6:30 बजे से होंगी। पार्किंग की व्यवस्था देशपांडे सभागृह एवं विधायक निवास में की गई है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।